राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत में व्हाट्सएप ऐप के जरिए एक अफवाह ऐसी फैली हुई है कि हर आदमी का ध्यान इस ओर ही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बच्चा चुराने वाले गिरोह के बारे में जो आजकल हर व्हाट्सएप ऐप पर वायरल हो रहा है। कुछ हद तक तो ये बात ठीक भी है, लेकिन इन अफवाहों में बेकसूर लोग भी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। एक ऐसी ही अफवाह की खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मामला उत्तर प्रदेश संभल के कोतवाली चंदौसी इलाके का। गांव छाबड़ा निवासी रामोतार और राजू अपने भतीजे रवि को दवाई दिलाने चंदौसी आ रहे थे। रास्ते में बाइक से थोड़ा पेड़ की छांव में रुक गए, तभी वहां कुछ लोग पहुंचे और उन्हें बच्चा चोरी के शक में पकड़कर जमकर पीटा गया। दोनों भाई लाख दुहाई देते रहे, लेकिन भीड़ ने उन्हें मार मार कर अधमरा कर दिया, जिसमें एक भाई की अस्पताल ले जाते इस वक्त मौत हो गई, जबकि दूसरा भाई जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। हाँ, मैं तो गांव में था। तो बच्चा चोर समझ के इनको पीटा है क्या? ये बच्चा चोर है? बच्चा चोर है ये? बच्चा चोर है ये? नहीं, बच्चा। और कौन है फिर ये? नहीं, मेरा भाई। अच्छा, आपने भतीजे को दवाई दिलाने आए थे, तो पीटा किसने? मेरे तो भाई बाबूजी, मैं तो था नहीं, गए थे, मैं तो गाँव से ही आया हूँ। अच्छा, कैसी हालत है अब इनकी? वो तो बेकार हो ही पड़े हैं दोनों। मामला ये रीट गए थे दवाई लेने के लिए, बच्चों को लेकर आए, भतीजा था इनका, बाप घर न आए तो यही लेकर चले आए। फिर रीट शेर सिंह ने मना कर दिया कि भैया ऐसा करो, चंदौसी ले जाओ। तो ये सीधे चंदौसी आ रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, आगे इन आगे ने पकड़ लिए, इन्हें मारधार चालू कर दिया। क्यों मारा था इनको? के बच्चे चुरा के ले जा रहे हो। अच्छा, फिर इन्होंने बहुत ही मना करी कि भैया हम छाबड़े के रहने वाले हैं, जो तो अभी इनका इलाज कहाँ चल रहा था? इलाज सरकारी में। और कहाँ ये खत्म कहाँ हुए? खत्म तो यही है भैया, एम्बुलेंस में। एम्बुलेंस कहीं भाले जा रहे थे आप इनको? क्या मुरादाबाद जा रहे? तो कितने लोगों को पीटा गया? रेफर करी। कितने लोग थे ये पीटने वाले? अब ये दो भैया हम आए हैं, जब कहीं यहाँ तो ये छोड़ लगी है, ये इनका भाई था, और भी मुरादाबाद। उनकी तबीयत कैसी है दूसरे वालों की? हालत ऐसी है, बिल्कुल बेकार है। उनको लेकर के चंदौसी में आ रहे थे, चंदौसी गर्मी इलाज के लिए। इसी बीच में कुछ लोगों ने इसको ग्राम उसने रोक लिया, वहाँ पे जरई गाँव में रोक लिया, वहाँ पे बच्चा चोरी का पिटाई में तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों को लाया गया, हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहाँ पे एक की मृत्यु हो गई है और एक को इसका इलाज अभी जारी है। इसमें अभी तक चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है, टीमें दबिश दे रही है, लगातार गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। जो भी इसमें शामिल है सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और इसमें जो भी लोग दोषी हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भी ऐसे लोग हैं, जनता के लोग हैं, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, ऐसे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं जो लगातार इस तरीके से अफवाह उड़ा रहे हैं, झूठी खबरें फैला रहे हैं। अभी हमने एक एडवाइजरी भी जारी की थी, आप लोग के माध्यम से भी अपील की थी, लगातार हम अपील कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से भी अपील की है लोगों से कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, और प्रिंट मीडिया में भी निकलवाया है, लोगों से बात भी की है, जागरूकता भी चला रहे हैं, और सभी से अपील कर रहे हैं कि कृपया ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें। ये बहुत दुखद घटना है कि आपकी वजह से कोई एक इनोसेंट आदमी की जान चली जा रही है या उसको उसकी पिटाई हो रही है। कृपया करके ऐसी घटनाओं में संदिग्ध हालत में आप लोग इन्वॉल्व ना हो जाएं, पुलिस को सूचना दें, किसी भी बात की अगर जानकारी होती तो पुलिस को सूचना दें, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच के कार्रवाई करेगी। इस घटना में भी जल्दी से जल्दी पुलिस पहुंची थी, और ऐसे जितने भी अपराध हैं, अगर कोई मॉब लिंचिंग कर रहा है या ऐसे लोग शामिल हो रहे हैं, तो हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, तत्काल अरेस्टिंग करेंगे, गिरफ्तारी करेंगे, और जो लोग व्हाट्सएप और मीडिया पर भी ऐसी झूठी खबरें अफवाहें फैला रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। वहीं पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, और दोषियों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं। साथ ही पुलिस ने अफवाह को रोकने के लिए भीड़ को निर्देश दिए हैं कि वह कानून अपने हाथ में न ले। इस तरह की अफवाहें पूरे देश में फैल रही हैं और बेकसूर लोग इन पर मारे जा रहे हैं। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता उत्तर प्रदेश संभल गुन्नौर से ऋषि कुशवाहा की रिपोर्ट। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया,
बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिर में स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्लीबख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।